हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे टू ऑफ मुंबई टू गोवा कोस्टल राइड। कल रात को मैं दिखा नहीं पाया, पर हम लोग यहाँ पे देखो टेंट लगा के रुके हुए थे। यहाँ पे ही टेंट लगाया, उसके पीछे साइकिल लगाया, और ये सब पूरी रात भर बाजू में बैठ के टेंट के। ये बीच से बाहर निकलने के लिए भी मस्त रोड है। तो कहाँ निकलेगा? अरे मंदिर आला देखो। आज भी हमें निकलते निकलते ऑलमोस्ट 11:30 हो गया। अभी निकल रहे हैं हम लोग, नाश्ता कर लिया। 11:30 हो गया है, तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर जल्दी से जल्दी 1.5 आवर में हो जाए। यलो हबी भी धूप से बचने की निंजा टेक्निक। आप कोंकण रीजन में आओ और रास्ते के दोनों साइड नारियल का पेड़ ना हो, ये कैसे हो सकता है? आ गया रेयुदांडा का ब्रिज। यहाँ पे कोई तो फैक्ट्री दिख रही है जो बंद पड़ी है, रस्ट पकड़ा हुआ है। नहीं भाई चालू है ऐसे हालत में, जल्दी लगने वाले इसके। मैं आपको जो बोल रहा था ना अभी, एक साइड समंदर होगा, तो ये देखो मेरे ये बाजू राइट साइड पूरा समंदर ही समंदर है, और ये 40-50 किलोमीटर सेम यही रोड होने वाला है। सुंदर, कसं वाटतंय रे? कैसा लग रहा है? अप्रतिम, ये मराठी का एक न्यू वर्ड सीख लो, अप्रतिम मतलब वंडर प्रूफ, फैंटास्टिक, वंडरफुल। नहीं बोलते बोलते कोस्टल रूट का घाट रूट हो गया है, कंटिन्यूस घाट ही लग रहा है अपने को। जरा स्लोप वाला स्पीड मारा था, ये लो जो बोला था वो आ गया। ये बाजू पूरा समंदर है मेरे। समंदर से जो हवा आ रहा है उसकी वजह से धूप भी इतना नहीं लग रहा है अभी। ये सामने जा रहा है ना बस, ट्रक, टेम्पो, जो भी है, मिनी बस समझ लो। इस पे लिखा था दोष तुझा सौंदर्य था, मतलब पागल प्रेमी, दिल टूटने वाला प्रेमी है कोई। तो मैंने डायनामो से चार्जिंग के लिए ये डिवाइस बनाया, सर्किट बनाया। मेरे अभी अराउंड 11 किलोमीटर चला के हो गया और उससे 9% बैटरी चार्ज हो गई है इसकी। सो अराउंड अगर मैंने 60 किलोमीटर चला है तो ये 50% चार्ज हो सकता है, जिसमें मोबाइल एक बार पूरा चार्ज हो जाता है। ऋतुराज क्या बोलता है? लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि बस चढ़ाव आना चाहिए, उतर नहीं आना चाहिए, उतार और चढ़ाव। और साइकिलिंग के टाइम क्या सोचते हैं? सिर्फ उतर आना चाहिए, चढ़ाव नहीं आना चाहिए। तो यही अपने को साइकिलिंग बताता है, आई थिंक इट टेल्स अस अबाउट लाइफ एज़ वेल, कि उतार और चढ़ाव आते रहते हैं बस। आपको जाते जाने रहे ना, ज़्यादा दुख के साथ ना ज़्यादा सुख के साथ, इसका बस स्वीकार करना चाहिए। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस एंड एंजॉय द लाइफ। वाह, राइटर साहब बोल रहे हैं। ये हम लोग आ गए काशिद बीच पे। चलो, नॉर्मली इसको वाइट सैंड बीच कहा जाता है, ये मैंने ऐसे ही सुना है, सच में कहा जाता है कि नहीं वो जाके समझेगा उधर। चला, वाह, साइकल इकडे लावू रे पुढे। अरे नारळ पाणी कसं? 50 रुपये। 50 रुपये एक? कमीला नाही आहे? मोठ छोटे आहे तो खूप, एवढं महाग? मुंबईला 30-40 ला आम्ही पितो, किती 50 ला आहे काय? मोठा द्या ना, दोन मोठे द्या, पाणीवाले मलाईवाले कसे पण मोठे द्या जरा। ये रे, तेरे लिए खास लाया मैं। पैसा तू देगा पर।
नारियल पानी पीने का ना असली मज़ा है डायरेक्ट मुंह को लगा के पीने का, स्ट्रॉ में मज़ा नहीं उतना। पानी बैठ के पीने पानी हो, नारियल पानी हो और कुछ पानी हो, बॉटम्स डाउन तो बनता है। बॉटम्स अप की बॉटम्स डाउन रे खत्म हो गया अभी। बॉटम्स अप, बॉटम्स अप। काशिद बीच पे आ गए। नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बोटिंग वगैरह दिख रहा है, ट्रैक्टर है ना, क्या बोलते मोटर, हाँ मोटर गाड़ी जो है, पर धूप के कारण अभी ज़्यादा कोई होगा नहीं, फिर भी लोग हैं, ये सरप्राइज। हाँ लोग तो भी है इतने धूप में भी, और ये स्पोर्ट्स चल रहा है। चलो काशिद बीच हो गया हमारा, अभी नेक्स्ट स्टॉप हम लोग का होगा मुरुड़ बीच पे, जहाँ पे मुरुड़ जंजीरा फोर्ट है। जितना भी ये कोस्टल रोड है ना, तो ये देखो ये पूरा नारियल का झाड़ है, उसके नारियल के झाड़ के वो जो समंदर है, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है ना। मेरे को बाजू में पूरा सी व्यू, अरे अपना साइकिल, हम लोग को ये डर लग रहा है अगर गलती से फास्ट ले लिया साइकिल और पंक्चर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ना पंक्चर वाला मिलेगा ना कोई मिलेगा यहाँ पे। ये चीज़ का सोना सोचे तुम्हारे फिलोसफी के हिसाब से। हाँ तो नहीं, पर इसलिए स्लो चला रहा हूँ, सोचा इसलिए स्लो चला रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए, तो यहाँ पे जो सुंदर, ये जो सुंदर गणपति मंदिर है श्री सिद्धिविनायक, वाओ। फाइनली फाइनली हम लोग मुरुड़ में तो आ गए, और ये आपको मुस्लिम स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जंजीरा फोर्ट का जो ओनर होया करते थे सिद्धि, उनके फैमिली का पूरा महल है, और इसका नाम है सिद्धि शाह महमूद खान एंसा अहमदगंज राजवाड़ा। जितना घाट चढ़े अभी उतरना भी उतना ही है। तो हम लोग आ गए मुरुड़ के लिए, यहाँ पे कुछ खाने के लिए देखते हैं। अभी हम लोग ये होटल में आए, तो साइकिल लेके अंदर ही जाते हैं। भिंतीला टेकून लाऊं दे, कुछ देर भिंतीला टेकून दे। हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ रहे हैं, और ये हमारा व्यू है मुरुड़ बीच का। खूब जाना है जीवन आप, बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता इतना खा के चला पाएंगे, पर चलाना तो है। नहीं बोलते बोलते आराम करते, ऑलमोस्ट अभी 350 हो गया, मतलब निकलने को 4 ही बज जाएंगे, और 30 किलोमीटर जाना है, जाके नहाना भी है, पता नहीं कैसे होगा, लेट्स सी। हेलो मैम, नाइस टू सी यू, बाय। ये नज़र है देखने के लिए, तो हम लोग ट्रैवल करते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तभी जुगाड़ी वाले आइडिया ऐसे ही आते हैं। अभी इधर एक नल लगाने का पैसा नहीं है, तो फ्लो कम करने के लिए भाई साहब ने बॉटल लगा दिया, उधर से पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्या बात है। रोड ब्लॉक हो गया भाई लोग, ऐ जगह दो ब्रेक नहीं लग रहा मेरा, जगह दो ऐ सगो। ये ऐसा लाइन से सब बदक बैठे, देखो लेफ्ट लेफ्ट गए थे अपने। इससे और बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है, ये देखो
खाली ये लो अभी फेरी लगी है पर ये छूटेगी आधे घंटे बाद 5:30 को। चलो अभी जेटी में चढ़ने का टाइम आ गया, बस गिर ना जाए। कुछ लो ये है हमारी फेरी। भेटेल काय मेला गेले पाण्यात गेले 5 रुपये। फाइनली पहुंच गए अभी यहाँ से फटाफट, 1 घंटा हमें साइकिलिंग करके आगे जाना है नहाने के लिए। चल रहे बाबा लोग कर जाओ। के चला गया तो सीधा पानी में चला गया, तो 500 रुपये का झटका लगा है प्लस 100 रुपये का मतलब टिकट और सब पकड़ के साइकिल का रेट पकड़ के 100 रुपीज़ उसका हो गया। वाह। यहाँ से हम लोग ने नहाने के लिए एक बीच ढूंढा है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, वो अराउंड 9 किलोमीटर है पर अभी वजह 6:15। ट्राई करेंगे कि 6:45 तक पहुंच जाए तब कि नहाने के लिए और सनसेट का माहौल हो जाए वहाँ पे। ये पहाड़ के पीछे जो सनसेट दिख रहा है वो पकड़ने के लिए अलग ही रेस चल रही है। किसी को ना दारू का नशा होता है, किसी को सिगरेट की लत होती है, किसी किसी को लड़कियों की लत होती है, पर मेरा अलग ही, मुझे तो सनसेट की लत है। सन तो सेट हो गया पर चलो हमें नहाने के लिए थोड़ा बहुत तो उजाला है, और सामने व्यू देखो यार, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आ गया हमारा सनसेट, जैसा चाहिए था वैसा तो नहीं है पर उससे बेटर है। तो सागर किनारे दिल ये पुकारे वाह। सो ऋतुराज जी कैसा लग रहा है अपना ये व्यू? बेहतरीन, शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त